नालंदा विश्वविद्यालय को भारी क्षति पहुंचाने के बाद और बंगाल जीतने के बाद खिलजी ने 1205 ईसा में असम की ओर कूच किया 12,000 की घुड़सेना के साथ। पर कोच, राजवंशी, बोडो और कियोत कबीलों ने राजपूतों की सेना के साथ मिलकर उन पर आक्रमण कर दिया, जिसमें कई तुर्की सैनिक मारे गए और कईयों ने जब भागने की कोशिश की तो उन्हें बंदी बना लिया गया। खिलजी ये सब देख अपने सैनिकों के साथ भाग खड़ा हुआ, पर आसपास के नगरवासियों ने भी राजा का साथ देते हुए रास्ते में पड़ने वाली नदी का पुल गिरा दिया। मजबूरन खिलजी और उनके सैनिकों को तैर के जाना पड़ा, जिसमें नदी के बहाव में कई सैनिक बह गए। खिलजी को मुट्ठी भर सैनिकों के साथ बंगाल वापस भागना पड़ा। इस तरह राजा पृथु ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्षति पहुंचाने के लिए विदेशी आक्रमणकारियों को सबक सिखाया, पर एक श्रेष्ठ व्यक्ति की तरह युद्ध बंदियों को मारा नहीं, बल्कि बाद में उन्हें वहां रहने का अवसर भी दिया।